नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर, आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक में स्वागत है। इसमें हम तमाम हफ्ते के बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फिनांस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से प्रश्न लिया गया। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो CA, बैंकिंग और किसी भी एंट्रेंस की हो, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज हम यहाँ 2 से 7 दिसंबर तक बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे। यहाँ पहला सवाल, हाल ही में NTPC ने SBI के साथ कितने करोड़ों का ऋण लिया? ये 5000। अगले सवाल, हाल ही में किस मेट्रो रेल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवा शुरू की? ये चेन्नई मेट्रो रेल ने किराए सेवा के सहयोग से चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड यानी CMRL ने पर 1 प्रति मिनट के लिए बिना चाबी वाले स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक बेड़ा लॉन्च किया। अगले सवाल, हाल ही में किस बैंक के CFO जयराम श्रीधर ने इस्तीफा दिया? ये एक्सिस बैंक से थे। श्रीधरन जून 2010 में शामिल होने के बाद लगभग एक दशक के एक्सिस बैंक के साथ काम करे। अगले सवाल, किस कंपनी ने महिंद्रा की टॉप 250 निवेश योजना शुरू की? ये महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने नई ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम महिंद्रा टॉप 250 निवेश योजना लॉन्च किया। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी के सूचकांक निवेश योजना शुरू की? ये फॉर्चून हेल्थ मैनेजमेंट। कोयम्बटूर स्थित फॉर्चून वेल्थ मैनेजमेंट ने एक योजना शुरू की है, जो निवेशकों के सीधे सूचकांक में निवेश करने में सक्षम बनाएगी। अगले सवाल, हाल ही में मोतीलाल ओसवाल ने कितने निष्क्रिय सूचकांक फंड लॉन्च किए? ये 2। एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अगले सवाल, हाल ही में ओला किस देश में सेवाओं का विस्तार करने के लिए तैयार है? ये बोथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। राइड शेयरिंग कंपनी ओला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रत्येक 11 नए स्थानों में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस क्षेत्र में 33 शहरों में इसकी कुल उपस्थित है। अगले सवाल, हाल ही में वॉक्सवैगन भारत में 4 SUV को कितने सालों में लॉन्च करेगा? ये 2 सालों में। जर्मन ऑटोमोटिव प्रमुख वॉक्सवैगन अगले 2 वर्ष में भारत में 4 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन पर पेश करने की योजना बना रही है। अगले सवाल, हाल ही में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किस बैंक के साथ 5000 करोड़ के ऋण के लिए हस्ताक्षर किए? ये SBI के साथ। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिका में जेनेरिक डेफरेसिरॉक्स टैबलेट लॉन्च किया? ये डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने ओरल सस्पेंशन के लिए चिकित्सकीय रूप से समतुल्य जेनेरिक संस्करण ओरल सस्पेंशन यूएस एफडीए के साथ अनुमोदित ओरल सस्पेंशन के लिए डिफरेंस जीरोक्स टैबलेट लॉन्च किया है। अगले सवाल, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने अल्ट्रा लग्जरी स्क्रीन लॉन्च की, इसका नाम क्या है? ये 2 वाल है। साउथ कोरिया उपभोक्ता टिकाऊ प्रमुख सैमसंग ने भारत में ड्यूरेबल द वाल नामक एक बड़े प्रारूप वाला मॉड्यूलर माइक्रो LED डिस्प्ले लॉन्च किया। अगले सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
किया संयंत्र का उद्घाटन किया। ये एपी के हैं, आंध्र प्रदेश। ये वाईएस जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को राज्य के अनंतपुर जिले में स्थित किया मोटर्स निर्माता सुविधा का औपचारिक उद्घाटन किया। अगले सवाल, हाल ही में किस मोटर्स कंपनी ने तरुण गर्ग को निदेशक में नियुक्त किया? ये ह्युंडई। भारत में दूसरी सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड यानी HMIL ने तरुण गर्ग को कंपनी में निदेशक बिक्री विपणन और सेवा के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगले सवाल, टाटा मोटर्स किस वर्ष से यात्री वाहन की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी? ये जनवरी 2020 से, मुख्य रूप से BS6 उच्चयन मानदंड के अनुरूप अपने पोर्टफोलियो के उन्नयन के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए। अगला सवाल, हाल ही में बिग बॉय टाउस का शोरूम कहाँ खोला है? ये हैदराबाद में। ये एक लग्जरी कार कंपनी शोरूम है। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने डायरिया के लिए रोटावेक 5D वैक्सीन लॉन्च की? ये भारत बायोटेक है। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अगले सवाल, मारुति सुजुकी किस साल से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी करेगी? ये जनवरी 2020 से। विभिन्न स्तरों पर इनपुट लागत में वृद्धि के साथ भारत की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता मारुति सुजुकी लिमिटेड यानी MSIL ने मंगलवार को कहा कि वो जनवरी 2020 से अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करेगी। अगले सवाल, हाल ही में थॉमस कुक इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये थॉमस कुक UK है। ये श्रीलंका और मॉरिशस में लगभग 13.9 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने नियोविन ओल्ड आउटलेट लॉन्च किया? ये GNFC यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड। अगले सवाल, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के विकास पर कौन सा संस्थान सहयोग किया? ये IIT हैदराबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अगले सवाल, वॉलमार्ट इंडिया ने किस बैंक के साथ